राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की हमारी कहानी का नाम है नमक। रीना आज तो बहुत तेज कर दिया सब्जी में नमक, क्या सारा डिब्बा एक ही सब्जी में डल गया क्या, रीना की सास ने खाना शुरू करते हुए बोला। रीना भागी भागी रसोई से आई और अपनी सास से पूछा, क्या हुआ मम्मी जी, ज्यादा हो गया क्या नमक, लेकिन मैंने तो रोज जितना ही डाला था। रीना की सास ने मुंह बनाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि पूरे डिब्बे का नमक दाल में झोंक दिया है, कहाँ ध्यान था आज तुम्हारा। रीना कुछ नहीं बोली और चुपचाप रसोई में जाकर रोटियां सेकने लगी। थोड़ी देर में रीना के पति मोहित और ससुर भी खाना खाने बैठ गए। ससुर, जिन्होंने पहले ही सुन लिया था कि दाल में नमक तेज है, आज फिर भी रोटी का कौर मुंह में रखते ही चिल्लाए, इतना तेज नमक, दो टाइम रोटी खानी होती है वो भी ढंग से नहीं मिलता, ए बहू खाना नहीं बनता तो अपनी सास को बना लेने दिया कर, उसके ससुर ने माथे के तेवर चढ़ाते हुए बोला। रीना ने चुपचाप आज सबकी बातें सुन ली। हालांकि रीना बहुत अच्छा खाना बनाती थी, लेकिन करती भी क्या, जब आटा लगा रही थी तो 1.5 साल के बेटे ने फुर्ती से आकर डिब्बे से चम्मच भरकर नमक दाल में डाल दिया था। हालांकि रीना ने देखते ही काफी सारी दाल निकाल ली थी ऊपर से, फिर भी नमक की तो तासीर है, जल्दी से घुल जाता है, इसीलिए दाल में नमक तेज लगा सबको। कुछ दिनों बाद रीना की ननद उनके यहाँ रहने आती है। रीना को अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ जाता है। रात के खाने के लिए उसकी ननद रीना को कहती है, रीना तुम जाओ मैं बना दूंगी। रीना और मोहित आधे पौन घंटे में ही वापस आ जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास ज्यादा मरीज नहीं थे। रीना आते ही रसोई में चली जाती है। उसकी ननद ने सब्जी बना दी थी और आटा भी लगा दिया था। रीना ने फुलके बनाने शुरू किए और सब खाना खाने लगे। खाना खाते ही उसके ससुर ने जोर से कहा, आज फिर से नमक बहुत तेज कर दिया। वो आगे कुछ बोलते उससे पहले ही रीना की सास ने उन्हें धीमी आवाज में कहा, राखी ने बनाई है सब्जी, खा लो चुपचाप, नहीं तो राखी को बुरा लगेगा। इतने में राखी, जो दूसरे कमरे में फोन पर बात कर रही थी, वो अपने पापा मम्मी के पास आकर बैठ जाती है। पापा कैसी लगी सब्जी, उसके ससुर ने कहा, हाँ हाँ ठीक है। फिर राखी ने अपनी तारीफ सुनने के इरादे से दोबारा पूछा, सब्जी में नमक तो ज्यादा नहीं है ना, हमारे यहाँ तो सबको नमक तेज ही पसंद है, लेकिन आपके दामाद हमेशा बोलते हैं कि ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, लेकिन कभी भी चिल्लाते नहीं है। हमारे यहाँ मेरे देवर जेठ सब चुपचाप खा लेते हैं, जैसा भी बनता है, चाहे मिर्ची तेज हो या नमक, कभी भी नहीं बोलते कि इतना तेज कर दी नमक मिर्ची। वो तो जब सब देवरानी जेठानी खाते हैं तब सबको पता चलता है। रीना ने ससुर से कहा, नाना बढ़िया है, बढ़िया बनी है सब्जी, और खाना खाकर उठ गए। मोहित वहीं बैठकर सब कुछ देख रहा था। थोड़ी देर में रीना मोहित की भी प्लेट लगा लाती है। जैसे ही मोहित खाने की कोर मुंह में डाली, वैसे ही रीना, रीना यहाँ आओ जल्दी से। रीना भागे भागे आती है, क्या हुआ, रीना ने डरते हुए मोहित से पूछा, इतना ज्यादा नमक, सारा डिब्बा झोंक दिया क्या सब्जी में नमक का, अगर खाना नहीं बनता तो मम्मी या दीदी से बोल देती, वो बना देती। रीना कुछ नहीं बोली, बेचारी की आंखों से आंसू निकल आए और वो रसोई में चली गई। राखी और उसकी माँ वहीं बैठी सब कुछ देख रही थी। रीना की सास को तो सब कुछ समझ में आ गया, इसीलिए वो तो कुछ नहीं बोली, लेकिन राखी से रहा नहीं गया। राखी ने मोहित से कहा, क्या हुआ मोहित, सब्जी अच्छी नहीं लगी। मोहित ने कहा, क्या खाक अच्छी बनी है, इतना तेज नमक, 15-20 दिन पहले ही रीना ने ऐसे ही तेज नमक डाल दिया था, तब भी सबने अचार से रोटी खाई थी और फिर से इतना तेज नमक। राखी का चेहरा उतर गया। राखी ने मोहित से कहा, मोहित तुम और रीना डॉक्टर के यहाँ गए थे ना, इसीलिए मैंने बना दी थी सब्जी, और मेरे हाथ से नमक हमेशा तेज ही डलता है।
मोहित ने राखी से कहा, दीदी इतना तेज नमक वाला खाना आप रोज बनाती हो और आपके घर पर सब खा लेते हैं क्या? कोई कुछ नहीं कहता, आपके सास ससुर भी नहीं। राखी ने कहा, नहीं मोहित, जैसे तू चिल्ला रहा है ना रीना पे, अगर तेरे जीजा जी मेरे ऊपर ऐसे चिल्ला दे तो मैं कभी जिंदगी में खाना ना बनाऊं उनके लिए। मोहित ने सोचा दीदी के थोड़े और मजे लिए जाए। उसने राखी से कहा, लेकिन दीदी सब इंसान, जब इंसान सारा दिन काम करके आता है तब उसे ऐसा खाना मिलेगा तो कोई कैसे बर्दाश्त करेगा भला। राखी ने कहा, अच्छा क्या सिर्फ तुम सब मर्द ही काम करते हो? हम औरतें कुछ भी नहीं करती, सारा दिन बच्चे को संभालना, घर का काम, कपड़े बर्तन और ऊपर से सास ससुर। मेरे सास ससुर तो फिट है लेकिन रीना को तो मम्मी का भी कितना ध्यान रखना पड़ता है। मैं तो 3 दिन से देख रही हूँ, जब काम करके फ्री होती है फिर मम्मी की दवाइयाँ, थोड़ी ही देर लेटी होगी तभी सोनू उठ गया, बेचारी को दिन भर आराम नहीं मिलता। भाई मैं तो जब तक दिन में 2 घंटे ना सो जाऊँ तब तक शाम के लिए रेडी नहीं हो पाती हूँ। मैंने तो अपनी देवरानी जेठानी को भी बोल रखा है, अगर किसी दिन में आराम करने को ना मिले मुझे तो रात का सारा काम वही दोनों करेगी। मोहित ने राखी का हाथ पकड़ते हुए कहा, थैंक यू दीदी। राखी ने कुछ समझ में नहीं आया, उसने मोहित से पूछा, किस बात का थैंक यू मोहित? मोहित ने कहा, दीदी जो बातें आपने अभी कही वो मम्मी और पापा दोनों ने सुनी, वो बातें सुनकर उन दोनों को अपनी गलती का शायद पता चल गई। अगर यही बातें मैं उन दोनों से कहता तो उन दोनों को लगता कि अपनी बीबी की साइड लेता है, इसीलिए थैंक यू। इतना कहकर मोहित अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाता है और उनसे कहता है, मम्मी रीना हम सबके लिए कितना कुछ करती है, कभी किसी चीज की शिकायत भी नहीं करती, इसीलिए अगर किसी दिन गलती से नमक कम या ज्यादा हो जाता है उसे तो वो इसका अधिकार रखती है कि कोई उसे कुछ ना कहे, क्योंकि बिना आराम मिले इतनी मेहनत से एक छोटे बच्चे के साथ काम करना कितना मुश्किल है, ये तो आपने अपनी खुद की बेटी के मुंह से ही सुना है। अभी इतना सुनते ही मोहित की मम्मी रीना को आवाज लगाती है और उससे कहती है, रीना तुम और राखी मेरे लिए दोनों ही एक हो बेटा, आज के बाद जैसी राखी है वैसी ही तुम हो हमारे लिए। कहते हुए रीना की सास उसके सर पर प्यार से हाथ फेरती है। राखी जिसको अब समझ में आ गया था वो भी अपनी भाभी के पास आकर उसे लिपट जाती है और अपनी माँ से कहती है, ये गूंगी बहू कहाँ से ले आई माँ तुम? उसकी माँ हैरानी से राखी को देखती है और रीना भी। फिर राखी कहती है, रीना तुम्हें मोहित को उसी टाइम बताना चाहिए था कि वो सब्जी मैंने बनाई है, जब गलती तुमने की ही नहीं तो उसके बारे में सुनना जरूरी नहीं होता। उसके बाद राखी मोहित के पास जाकर खड़ी हो जाती है और उसके कान खींचते हुए कहती है, और ये अगर दोबारा ऐसे चिल्लाए ना तुम्हारे ऊपर तो जैसे मैं कान खींच रही हूँ ना वैसे ही तुम भी खींचना इसके। उसके बाद सब हंसने लगते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों। हरि बोल।